सेबी और एमपी म्यूचुअल फंड एएमसी पे चोट मारना स्टार्ट कर दी। मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके आपने कई सारे न्यूज सुने होंगे। आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट रख देता हूँ। आज जानेंगे कि अप्रैल के महीने में, जी हाँ 2024 अप्रैल में, यहाँ पे क्या क्या डिस्क्लोजर में बदलाव हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके। हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशन पे जब सेबी और एमफी एएमसी पे चोट मार रही है मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके, तो इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या रणनीति बना के चलना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इसका विश्लेषण मैं आज आपके सामने रखूंगा। देखिए पिछले कुछ दिनों में, मैं दो दिन तीन दिन की बात करूँ, तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक सिचुएशन इन्वेस्टर को फेस करना पड़ा है। लगातार सेबी एएमसी पे दबाव बना रही है कि अगर कोई ऐसा रिस्क है जिससे इन्वेस्टर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो उसे धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप लमसम के थ्रू ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये सही समय है लमसम करने के लिए, डर भी लगा रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखो, हम आपको लमसम के लिए एडवाइस करेंगे एक ऐसा समय जहाँ से आपका पैसा ज़्यादा बन सकता है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो सेबी और एमफी चाहती है कि जो छोटे निवेशक हैं, जी हाँ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो महीने का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का SIP कर रहे हैं, उनका नुकसान ना हो। स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार जो इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है, अगर आप देखोगे जो टोटल स्मॉल कैप और टोटल मिड कैप का जो AUM है, वो लार्ज कैप के टोटल AUM के काफ़ी करीब पहुँच गया है। अब इतना पैसा जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में लग रहा है, अगर गिरावट हुआ तो वाकई में यह इन्वेस्टर को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, और इसी नुकसान को और इसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए एमफी सेबी यहाँ पे डिस्क्लोजर में बदलाव करना चाहती है। अप्रैल से यहाँ पे कुछ नियमों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं। जी हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में एएमसी को ये डिस्क्लोजर पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके, कि वैल्यूएशन क्या है। जैसे एक स्टॉक्स का वैल्यूएशन होता है, वैसे एक म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन क्या है। जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रही है, उसका PE रेशियो कैसा है। जी हाँ, हाई PE रेशियो पे फोकस कर रही है या लो PE रेशियो पे फोकस कर रही है, इट मीन्स कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया जा सकता है। और भी ऐसे पॉइंट है जैसे कि पोर्टफोलियो के एग्रीगेट वैल्यू क्या है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर AMC डिस्क्लोज करेगी, और आने वाले कुछ 10-15 दिनों में ये डाटा AMC के वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लिक्विडिटी को लेके भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट में दबाव है, मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, और वो अपना यहाँ पे यूनिट रिडीम करता है, तो कितने दिनों में उसको पैसा वहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर एक स्मॉल कैप के स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है तो वहाँ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। लिक्विडिटी का मतलब, आप जब वहाँ पे बेचने जाओगे तो खरीदार करने वाला नहीं बैठा होगा, अगर आप खरीदने जाओगे तो वहाँ कोई बेचने वाला नहीं बैठा होगा, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। वॉल्यूम काफ़ी लो होता है, इट मीन्स कि मान लो वहाँ पे आपको 2,00,000 शेयर बेचने हैं, तो वहाँ पे कोई 2,00,000 शेयर खरीदने वाला ही नहीं बैठा है, तो वैसे में आप पूरा माल भी नहीं बेच सकते। ऐसे तो आमतौर पे जो AMC है, ऐसे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कैश होल्डिंग परसेंटेज थोड़ा हाई रखती है, या फिर लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा लगाती है। लेकिन कई ऐसे फंड हाउस हैं जिनका लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी कम है। जैसे कि मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूँ, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, बहुत बड़े AUM के साथ ये फंड है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप का एलोकेशन देखोगे तो 3-5% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्पेशली जब स्मॉल कैप स्पेशली माइक्रो कैप स्टॉक्स का डाटा देखोगे तो इसमें 18-19% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। AUM की बात करूं तो कम से कम 29,000 से लेकर 30,000 करोड़ का आंकड़ा है इस म्यूचुअल फंड का। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनमें लार्ज कैप का एलोकेशन कम है, और ऐसे में अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो क्या ऐसे फंड लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका भी पूरा लेखा जोखा AMC को देना होगा। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो AMC को ये भी डाटा शेयर करना होगा कि जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वैसे म्यूचुअल फंड में
जी हाँ, वोलेटिलिटी कैसा है, इन सारे पॉइंट्स को लेके लेखा जोखा एएमसी को अपने वेबसाइट पे देना होगा। हालांकि अभी ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कई सारे न्यूज़ निकल के आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है सेबी कुछ और यहाँ पे मैंडेटरी पार्ट लेके आए जो एएमसी को फॉलो करना पड़े। अगले पॉइंट की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में स्पेशली ये पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि कहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स कि किस कैप को आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर अभी का मैं पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखूँ तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का यहाँ पे एएमसी के वेबसाइट पे डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेबी और एमफी चाहती है कि इस परसेंटेज को और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स के साथ पेश किया जाए। इट मीन्स कि स्मॉल कैप में भी अगर आप पैसा लगा रहे हो तो माइक्रो कैप में कितना परसेंटेज है, उसमें से भी आप वैसे स्टॉक्स का भी डिस्क्लोजर करो जिसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें वॉल्यूम का प्रेशर हो सकता है। इन सारे डाटा को जी हाँ एएमसी को अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो मैं काफी समराइज होके अगर मैं आपको बताऊं तो सेबी और एमफी ये चाहती है कि कम से कम अगर कभी मार्केट में गिरावट हो, जैसे कि 2008 की बात करूं, 2020 की बात करूं, ऐसा गिरावट देखने को मिले तो ऐसे इन्वेस्टर फंसे ना, जब पैसा निकालने आए तो कम से कम इनको सही समय पे पैसा मिल जाए, क्योंकि 2020 में कई डेप्थ फंड में यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उसके बाद सेबी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई और ऐसे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन के साथ सेबी आई जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिला। अब चलिए बात करते हैं कि अब इन्वेस्टर को क्या तैयारी करके चलना चाहिए। आप बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे, आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो दिख रहा होगा। हाँ, कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कुछ वीडियो को देखने के बाद आप पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो रूल्स है और ये जो रेगुलेशंस आने वाले हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके सेबी और एमफी यहाँ पे बाउंड्री सेट कर रही है, ये आपके पैसे की सिक्योरिटी के लिए, आपके पैसे के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए है, ये आपके लिए ही है। तो आप पैनिक सिचुएशन में आके कोई भी नेगेटिव डिसीजन ना लें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे कई बार मैंने देखा है कि किसी दोस्त ने कहा कि भैया आप तो स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल जाओ, स्मॉल कैप में मिड कैप में पैसा नहीं लगाना, स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी बना के रखो, और बस इन बातों को सुन के आपने एक डिसीजन बना लिया। कभी भी अगर आपको ऐसा न्यूज़ कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले, तो एक प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। मेरे अनुसार से अगर आप कुछ भी ऐसा न्यूज़ सुन रहे हो, कुछ भी ऐसे वीडियो के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, तो आप पैनिक सिचुएशन में ना आए और कोई गलत डिसीजन ना ले, अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई भी गलत डिसीजन ना ले। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। देखो अगर आप SIP कर रहे हो, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आप अपने SIP को कंटिन्यू करो, कोई यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेबी ने और एमफी ने इन्वेस्टर के लिए कुछ यहाँ पे रेड अलर्ट साइन नहीं दिया है। ये बस पैसे को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो आप अपने SIP को कंटिन्यू रखो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो हो वो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। वेल डाइवर्सिफाई इट मीन्स कि हर एक कैप का उस पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेंट होना चाहिए। अब देखो मैं एक संकेत भी आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका मानना है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता है। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करूँ, लेकिन लार्ज कैप आने वाले समय में कभी अगर मान लो मार्केट में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, तो लार्ज कैप ही आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट देगा। जी हाँ, सपोर्ट देगा। और ये जो संकेत सेबी और एमफी के साइड से प्रेशर बनाया जा रहा है एएमसी पे स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके, तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, मैं रिटेल इन्वेस्टर की भी बात कर रहा हूँ, जो अपना पैसा यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप से निकालेंगे और लार्ज कैप में यहाँ पे धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आने वाले समय में लार्ज कैप में थोड़ा सा पैसा बढ़ सकता है। वैसे ही कई ऐसे एएमसी अपने लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में जी हाँ रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे में जब लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज होगा तो कुछ दिनों में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और उससे हमें थोड़ा सा लार्ज कैप में प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 साल है, आप SIP कर रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो धीरे धीरे आप अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम करो।
आपका जो इंटरेस्ट है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो उसको धीरे धीरे कम करो, क्योंकि 2 और 3 साल में मान लो आपको उस पैसे की ज़रूरत है, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, या बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए फुल पेमेंट करना हो, तो आपको वहाँ पे अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के एलोकेशन को कम करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन, जी हाँ, यहाँ पे 5 साल 7 साल से ऊपर का है, तो मैं बोलूँगा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए है, ये आपके पैसे को सिक्योर करने के लिए है, और ऐसे कई सारे न्यूज़ आपके सामने आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपको एक गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। लेकिन आप अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जी हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, आपका जो SIP का एलोकेशन है उस पर पूरा फोकस करें, उस स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पर लंबे समय के लिए प्लान करें। मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ अगले पॉइंट में कि अगर आप यहाँ पे लमसम करना चाहते हो, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप लमसम करना चाहते हो, तो कुछ पॉइंट का आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे गिरावट में लमसम ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, स्मॉल कैप मिड कैप में जब आपको रेड का सिग्नल देखने को मिलता है ना, तो जब ज़्यादा रेड सिग्नल होगा ना, तो उस समय आप गलत डिसीजन लोगे। कम गिरावट होगा, कम नुकसान होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो छोटे छोटे गिरावट पे अगर आप लमसम करोगे, तो चांसेस बन सकते हैं कि गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में रेड अलर्ट ज़्यादा देखने को मिले, इट मीन्स कि रेड का सिग्नल का परसेंटेज ज़्यादा हो। लेकिन अगर बड़े बड़े गिरावट पे लमसम करोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको नुकसान कम होगा अगर मार्केट ज़्यादा टूटेगा भी तो, और मार्केट टूटने के बाद जब रिकवर होगा तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट दिखेगा अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड। अब ऐसे सिचुएशन में आपको 3 गलतियों से बचना है अपने SIP में, क्योंकि देखो पिछले 2-3 दिन से जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, इससे कई इन्वेस्टर कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। अपने SIP को पॉज नहीं करना है, अपने SIP को कैंसिल नहीं करना है, और यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली अपने SIP वाले फंड को यहाँ पे स्विच नहीं करना है। इन 3 गलतियों से आपको बचना है, और मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखें। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपके सामने आएंगे जो आपके डिसीजन को डिस्टर्ब करेंगे, बट आप अपने स्ट्रैटेजी पे डिपेंड रहना। बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं के सब्सक्राइब लेकर शुरू तभी स्टार्ट करें, फिर लेकर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।